الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محترم ناظرین मुस्तलाहुल हदीस का यह सिलसिला जारी और जारी है और आज के درس में इंशा अल्लाह ताला हम گفتگو करेंगे जرح و تادیل کے متعلق یعنی जरह किसे कहते हैं और तादील क्या है उसके उसूल क्या है उसके जवाब क्या हैं उसके दर्जा क्या हैं इसके अलावा कि जब जर और तादील दोनों में टकराव हो यानी जर भी मौजूद हो और तादील भी मौजूद हो तो उसकी क्या क्या सूरतें होती हैं इस पर गुस्सू करेंगे और आज के दर्ज का जो दूसरा हिस्सा है वो रावियों के असम यानि नाम उनकी कन्नीत और उनके अलकाब से मुतलिक है और इन शह के साथ इन दोनों हिस्सों पर गुफ्तू करने की कोशिश की जाएगी तो सबसे पहले मैंने कि बताया कि जैसा कि पहला हमारा जो मौजू है दर्श का जो पहला हिस्सा है वो जर तादील पर मबनी है और हम शुरू करेंगे कि जर किसे कहते हैं सबसे पहली बात जब जर तादील जहन में ये, ये, का जिक्र आता है तो जहन में ये सवाल उठता है कि जर किसे कहते हैं जर कहते हैं दकर रावी बीमा यू जिबू रद्दु रिवायती ही मिन इस इस्बात सिफत रद्दिनफ़ सिफतबूल यानि ये जर कहते हैं कि किसी रावी का ज़िक्र किया जाए उन इस्बाब के साथ जिसकी वजह से जिन इसबाब की बिना पर उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाता है चाहे उसका ताल्लुक़ उसके यानी जो रद्द करने के जो इस्बाब हैं उनका इस्बात करके हो यानी उनको साबित करके या जो कबूल के जो सिफात होती हैं उनको रद्द करके जर किसे कहते हैं जर का मतलब ये होता है कि रावी का जिक्र उन इस्बाब के साथ उन सिफात के साथ ज़िक्र किया जाए जिसकी वजह से रावी की रिवायत को कबूल न किया जाए चाहे वो कबूल की सिफात हो उसको रद्द करके या जो रद्द के सिफात हैं उसको बयान करके इसको जरह कहते हैं तो जरह की दो किस्में हैं एक तो ये कि जरह मुतल और दूसरा जरह मुकैत जरह मतलक का ये मतलब होता है कि किसी रावी के मतलब गुफगू की जा रही है बातचीत की जा रही है कोई रावी है उसके हवाले से बात की जा रही है मुतल तौर पर उसके बारे में ऐसी बातें बयान की जा रही हैं जिसकी वजह से उसके बात का एतबार नहीं है यानी कोई भी रावी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गुफग कर रहे हैं और हम किसी से किसी उसको खास करके हम बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अल इतलाक उस पर बात कर रहे हैं और उन सिफ़ात का तस्करा के साथ जिनकी वजह से उसकी बात को कबूल नहीं किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं जर मतलक यानी मुतल तौर पर अगर मुहद्स वक्त का इमाम किसी रावी के बारे में जर करता है और तफसी बयान करता है तो उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा अल अल्लाक़ उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा लेकिन जरह जरहम्त का मतलब ये है कि कोई ऐसा रावी है जिसको किसी के साथ ख़ास करके बयान किया जाए यानी ये कहा जाए कि उसकी सिफ़ात बयान की जाए कि ये जो इसबाब होते हैं रद्द के असब होते हैं उसको भी उसके साथ बयान किया जाए लेकिन साथ में ये बात भी बयान की जाए कि अगर ये रावी हैं ये फला साहब से अगर हदीस को बयान कर रहे हैं फला साहब से ये अगर ये बात सुन करके हम तक आ रहे हैं बयान कर रहे हैं तो इनकी बात का एतबार नहीं होगा लेकिन अगर ये रावी किसी और की बात अगर सुन करके वो वो बयान करेंगे तो उनकी रिवायत को कबूल किया जाएगा कभी कभार ऐसा भी होता है रावी हदीस को बयान करता है एक ख़ास जगह के अतबार से किसी खास इलाक़े के लोगों के साथ तो उसकी रिवायत को उस इलाक़े के लोगों के अतबार से कबूल नहीं किया जाएगा इसी तरीके से अगर वो किसी ख़ास ग्रुप के साथ अगर वो हदीस को बयान कर रहा है तो उसकी रिवायत को भी कबूल नहीं किया जाएगा इसकी मिसाल आप क्यों देखें जैसे जैद अब्न हैं जैद अब्दन ये सही मुस्लिम के रावी हैं इनसे इमाम मुस्लिम अलैह ने अपनी किताब के अंदर हदीस भी रिवायत की है ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये सूफिया सौरी से अगर हदीस को बयान करते हैं तो इनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाताफियाानोरीस अगर यह हदीस को बयान करते हैं तो इनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाता लेकिन अगर सुफियान सौरी के अलावा ये दूसरों से रिवायत को बयान करते हैं तो उनकी रिवायत को कबूल किया जाता है तो ए, इमाम मुस्लिम रहमत ला ने अपनी किताब सही के अंदर जो इनकी हादीस को दर्ज किया है इसी वजह से दर्ज किया है क्यों क्योंकि ये सूफियान शौरी के तरीक़ से नहीं बल्कि किसी और तरीक़ से रिवायत करते हैं इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसाल जैसे इसमाइल इबन अयाश हैं ये अगर हिजाजियों से यानी चाहे वो मक्का के लोग हों चाहे वो मदीना के लोग हों अगर उन लोगों से ये हदीस को रिवायत करें तो इस्माइल इब्ने अय्याश की रिवायत कबूल नहीं की जाती है लेकिन अगर ये शाम के लोगों से जो शाम के लोग हैं आज तो वो चार हिस्सों में तकसीम हो गया है उर्दो लिबिन और सीरिया फ़िलिस्तीन लेकिन उस ज़माने में जो शाम का इलाका था पूरा तो शाम शाम के लोगों से अगर वो हदीस को रिवायत करते तो उनकी रिवायत को कबूल किया जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि रावी पर जर की जाती है किसी ख़ास शख्स से जुड़ करके कि अगर ये फ़लाँ सबसे अगर ये रिवायत कर रहे हैं तो उनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा इसके अलावा अगर वो किसी और से हदीस को बयान कर रहे हैं तो उनके बयान उनकी, उनकी रिवायत को कबूल किया जाएगा कभी कभार ऐसा भी होता है कि रावी को किसी ख़ास ग्रुप से या किसी ख़ास इलाके के अतबार से देखा जाता है कि अगर वो हिजाजियों से मैंने जैसे कि मिसाल दे करके बताया कि अगर वो फ़लाँ इलाके के लोगों से वो हदीस को बयान कर रहे हैं तो उनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा तो इसको क्या कहते हैं जरह मुत मुयद का मतलब ये होता है कि यहाँ कैद कर दिया गया हद बता दी गई कि अगर ये इनसे रिवायत करेंगे तो इनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा इसके अलावा अगर किसी और से रिवायत रिवात करें तो उनके रिवायत को कबूल किया जाएगा तो जरह है और दूसरी मैंने बात बताई कि जरह है मतलब का मतलब ये होता है अल अललाक बगैर किसी कैद के बगैर किसी नस्बत के बगैर किसी जोड़ के इंसान अगर किसी पर जर करे तो उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा इसी तरीके से जर के कई मरातब होते हैं अदीस में जो हम और आप हदीस पढ़ते हैं तो अहदीस में जो रुआत होते हैं उनकी कई कईमा ने जो उन पर जरह की है उसके कई दर्जात होते हैं आम तौर तो पर यह सवाल होता है कि कैसे कबूल किया जाएगा कैसे कबूल नहीं किया जाएगा तो उन उसके दर्जात होते हैं और महदसिन ने इसके छः दर्जात मुतिन किए हैं कम अज़ कम और अख्तिसारे साथ मैं आपके सामने बयान करता हूँ पहला दर्जा है कि महदसिन अगर किसी रावी के मुतल कह दें अक़बन्नास कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा झूठा है सबसे बड़ा झूठा है या ये कहें रुकनक यानी वो झूठों झूठ जूट की बुनियाद है सुतून है अगर ये बात कह दी जाए तो उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा ये सबसे आला दर्जा है यानी जो रुआत पर जरह की जाती है उसमें सबसे ये आला दर्जा है कि अगर कह दिया जाए कि अक़ज़बन्नास फ़लान अक़ जबन्नास और रुकनक़ब तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी रिवायत को कबील किया नहीं जाएगा ये सबसे आला दर्जा है दूसरा दर्जा है मादल आल मुबालगा मादल आलल मुबालगा शेख समीन कहते हैं कि वो कलिमात जो मुबालगे पर दलालत करे उसका उसके ज़रिए से अगर मुहदसिन या वक्त के इमाम होते हैं वो अगर किसी पर जर करते हैं तो उनकी रवायत को भी कबूल नहीं किया जाएगा ये दूसरा दर्जा है जैसे वज़ा वजा उस शख्स को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा हदीसों को गढ़ता है तो उसकी रिवायत को भी कबूल नहीं किया जाएगा जिस तरीके से एक दूसरा लफ्ज़ है दाल यानी किसी रावी के मतलब ये कह दिया जाए कि वह दज्जाल है यानी बहुत ज़्यादा फरेब से काम लेता है झूठ से काम लेता है धोखाधड़ी से काम लेता है तो उसको क्या कहा जाता है दज्जाल दज्जल का माना असल यही है कि फरेब देना धोखा देना तो अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वज़ा या दज्जाल तो ये इस उसके बाद उसके कोई चारा नहीं रहता कि उसकी रिवायत को कबूल कर लिया जाए इसी तरीके से तीसरा दर्जा है जैसे ये कहा जाए रावी को हुआ तहमन बिल किज़ कि वो झूठ उस पर झूठ का इल्ज़ाम है यानी अगर किसी के मुराविक के मुताल है हुआ मत बिलकज तो इसका मतलब यह है कि उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा या अविल औ बिलवज या मतहाम बिलवज या जैसे कि उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया हो कि वो हदीसें गढ़ता है वज़ा करता है बनाता है या इसी तरीके से ये कहा जाए हुआ यस हदीस वो हदीस हदीस में चोरी करता है हदीस में चोरी करता है या फिर ये कहा जाए औ सातन व मतरूक या ये कहा जाए कि वो साकित है या मतरूक है इन अलफाज के साथ अगर मुहदसन रवायत करते हैं तो उसकी रवायत को भी अल्लाक़ कबूल नहीं किया जाता लेकिन ये जरह का तीसरा दर्जा है इसी तरीके से चौथा दर्जा है मरदूद या ज़यफ़न जिद्दा यह आम तोर पर यह लफ्ज़ बहुत मशहूर है ज़ीफ़ुनजिदा अगर किसी मुतरावी के मतलब आईम फ़न इस बात का फ़ैसला करते हैं कि वो ज़यफ़नजिद्दा है वो या वो मरदूद है तो उसकी रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा इसी तरीके से पाँचवा दर्जा है जैसे महदसिन किसी के मतलब है हुआ मजरबुल हदीस हुआ मुजरबुलहदीस ये अल्फाज कह दें तो उसकी रिवायत को भी कबूल नहीं किया जाएगा या ज़यीफ़ुन लहू मनाक़ीर इस तरीके के कलमा कहे जाएँ तो उसकी रिवायत को भी कबूल नहीं किया जाएगा इसी तरीके से जो छठा दर्जा है जो उसके बारे में कहा जाता है फ़लाफ़ी ही मक़ा यानी जो इस फ़लाँ शख्स है फ़ला रावी है उसके मुतालिक कुछ बातें सुनी हैं तो ये भी एक जरह का तरीका है लेकिन सबसे जरह में सबसे ये हल्का दर्जा है सबसे हल्का दर्जा है उसके बाद जैसे कहा जाता है लई स बिज़ाक लई स बिज़ाक इस तरीके की क्लिम या हदीस यानी वो हदीस को बयान करने में नरमी से काम लेता है इस तरीके की कलिमात या तो ये जो है ये छः मरातब हैं इन छः मरातब में से जो चार मरातब हैं तो ऊपर से जो सीरियल बाइस चार एक तो ये कि अकजब्न्नास या रखनल कहा जाए या कज्बाब या वज़ा कहा जाए या दज्जाल कहा जाए या मतहाम बिलकब या मतः बिलव़ यासरकदीस या, या साक़ुलमअम मतरूक कहा जाए या मरदूद या ज़यीफुलजिदिद्दा कहा जाए ये चार जो मरातब मैंने बयान किए गए इन चार मरातब में से अगर रावी किसी भी रावी के मतलब इन चार मरातब जो मैंने बयान किए हैं एक दो तीन चार मतरूद और जिद्दा तक तो यहाँ तक अगर इन कलिमात के साथ किसी की भी रावी के मुतिक अगर जरह की गई है तो उसकी रिवायत का कोई एतबार नहीं होगा लेकिन नंबर पाँच जो जिसमें कहा गया मुशतरबुल हदीस ज़यफ़न लहू मनाकीर या जो छठा दर्जा फ़लान फ़ी मका लई सबाग तो इन रिवायात की तहकीक़ की जाएगी यानी अगर देखा जाएगा कि अगर कोई और सनद है तो उसके साथ उसको मिला दिया जाएगा या फिर ये होगा कि उसको रखा जाएगा बाकी रखा जाएगा ये देखा जाएगा कि अगर कोई और ज़ईफ़ हदीस है और तो इसशहाद के लिए या मुताबे या ताबे वगैरह की बहस पहले गुजर चुकी है तो अगर जो है एतबार के लिए उसको बना सकते हैं यानी एतबार के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नंबर पाँच की जो शुरू है जिसमें कहा गया मुस्तरबुल हदीस ज़यीफ़ या लहू मनाकिर या छठा दर्जा है जिसमें फ़लान फ़ी मक़ा लई सबाग हदीस तो ये चंद मराती भी हुए जरह के उसके बाद यहाँ उलमा ने जो जरह करने वाला होता है उसके लिए भी कुछ उसूल बयान किए हैं यानी जाहिर है हर आदमी जरह नहीं कर सकता है हर आदमी न इसका अहल होता है और न इस लायक होता है कि वो जरह करे तो इसलिए उलमा ने शरुत बयान किए हैं कि जरह कौन करेगा पहला शर्त है आदिल आदिल की तफसील पहले गुजर चुकी है बहरहाल इतसार के साथ ये कि मुसलमान हो और कबीरा गुनाह न करता हो सगीरा गुनाहों पर इसरार ना हो फिर ये कि अखलाकी तौर पर किसी ऐसे चीज़ का इरतकाम न करे जिससे लोग समाज में या आवाम के दरमियान उसे बुरा समझा जाता है तो आदिल होना चाहिए दूसरा ये कि मतज मतज मतलब ये कि बेदार मकज हो एक्टिव हो ऐसा नहीं कि गाफिल इंसान है सोया हुआ है और उसे कुछ खबर नहीं होती है वो उठ करके जर करना शुरू कर दे तो ऐसे शख्स का भी एतबार नहीं होता है यकून आरिफन भी इस्बाबी ही एक सबब ये बयान किया गया अकून आरिफन भी इस्बाबी ही कि वो जो जरह के असबाब होते हैं उसको जानने वाला उसको मालूम होना चाहिए कि जरह क्यों किया जाता है किस वजह से किया जाता है तो जरह के इस्बा भी मालूम होने चाहिए तो ऐसे नहीं कि हर शख्स कोई भी जर कर दे इसी उसके बाद कहा अल्लाकून वाक़न अला मन तवा तरा अदात अदालत यानी कि वो जर किसी ऐसे शख्स पर ना न करे जो खुद अपनी इमामत में अपने इल्म फ़ल और तकवा के अतबार से बहुत ज़्यादा मरूफ़ और मशहूर हो जैसे आप कोई उठ खड़ा हो इमाम बुखारी पर जरह करना शुरू कर दें आज के दौर में इमाम बुखारी की रिवायत रिवायात और उनकी किताबों पर बहस की जाती है तो ऐसे आदमी का कोई एतबार नहीं होगा बल्कि वो खुद मजरू होगा क्यों इसलिए कि उनकी अदालत पर उनके इलम पर उनके तकवा पर उनके जो दर पर उनकी इमामत पर पूरी दुनिया ने इतफाक़ कर लिया है तो आज कोई उठ करके कोई कितना बड़ा कोई क्यों ना हो कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो अगर वो इमाम बुखारी पर जरह करता है तो उस पर ख़ुद जरह किया जाएगा वो खुद मजरूह होगा वो खुद इस लायक होगा कि उसकी तहकीक़ की जाए तो ये इमाम बुखारी का जैसे इमाम मालिक रहा आमाम दारजरा हैं इमाम दारजरा वो मदीना के इमाम हैं बहुत बड़े इमाम हैं और उनका मर्तबा इतना ज़्यादा था कि बाद के अदवार में यह मशहूर हो गया था कि अगर अहले मदीना किसी बात पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि हाँ आ, आ, किसी बात तो वो सुन्नत है अहले मदीना का का अमल ये इजमा के बराबर हुआ करता था बाकायदा उलमा वसूलफी की किताबों में इस पर बहस की गई है तो अगर कोई शख्स किसी रावी पर यानी किसी ऐसे शख्स पर वो जरह करना शुरू कर दे जो वक्त का इमाम है जो वक्त का मुहदस है जो वक्त का फ़कीह है या ये कि जो अल इतलाक़ बिल बिलातफाक वो बहुत ही मतबर है तो वो खुद मजरू होगा उसकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा इसी तरीके से एक शर्त यह है कि वो आदिल की तो बात गुजर चुकी है उसमें तकवा भी आ जाता है एक ये कि मुतासिब ना हो अपने मजहब के तहीं अपने मसलक के तहीं अपने गिरोह के तहीं अपने शहर वालों के इलाकों के मतलब ये सारे जहन में नहीं होना चाहिए मुतासब नहीं होना चाहिए खुले जहन का हो नरो माइंड ज़हन ना हो बिल्कुल वाज एकदम ओपन वो सोचता हो और उसके सामने सिर्फ़ एक ही बात हो कि हमें किताबों सुन्नत की हिफाज़त करनी है समझानी बात तो ये चीज़ें अगर हमारे सामने हैं और इन तमाम चीज़ों का अगर कोई अहल है तो वो जर करेगा जैसे आज भी होता है क्राम या बहुत बड़े जो वक्त के मुहदसिन होते हैं किसी दहशत गर्द के हवाले से वो फतवा देते हैं किसी तनज़ीम के हवाले से वो फतवा देते हैं किसी शख्स के बारे में जरह करते हैं तो वो जर करते हैं वो करें आप जर नहीं करोगे क्यों इसलिए कि आप उनके दर्जे पर फायक नहीं हो आप उस लायक नहीं हो कि आप जरह करो आप पूछ सकते हैं रहनुमाई के तय शेख फला के बारे में क्या कहते हैं फला के बारे में क्या कहते हैं इनके मुतिक क्या कहते हैं तो ये वजह यह है कि ये दर हकीकत ये उस शख्स के लिए है जो दर्ज इस पर फायज होता है जो ये उसूल फ़िक्र इनशाला इसकी बाहस आएगी जब उसका दर्ज शुरू होगा कि इस्तेद के मरातब क्या हैं और कौन लोग मुस्तद होते हैं तो ये उनका मकाम मरतबा है वो जर करेंगे हमारा क्या काम है उलमा की रहनुमाई के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है अमल करना है हमारा ये काम है हमारा ये काम नहीं है कि हम उनकी जरह को लेकर के हम भी जरह करना शुरू कर दें इस तरीके से तो फितवना फितना हो जाएगा होता यह है हमारे यहाँ कि हर शख्स जो किसी आलिम से जुड़ा हुआ है किसी बड़े के वक्त के मुहदस से जुड़ा हुआ है वक्त के इमाम से जुड़ा हुआ है तो उनकी बात को सुन लेता है ठीक है उसको नष्ट कीजिए लेकिन अब आप खुद बैठ जाए मनसब इफ्ता पर और जरह जरह करना शुरू कर दें यह आपके लिए जायज़ नहीं है बहरहाल ये कुछ ज़िमनी बातें थी यहाँ आ गई और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये जर की चीज़ें हुई कि जर किसे कहते हैं जर की दो किस्में होती हैं मतलक और मुयद इन दोनों की मिसाल देकर के आपके सामने रखा गया उसके बाद जर के जो मरातब होते हैं वो बयान किया गया फिर आपके सामने ये बताया गया कि जरह कौन करे और कौन करेगा मतलब ये कि उसके क्या क्या शुरूत हैं वो आपके सामने अख्तसार के साथ बयान किया दिया उसके बाद आता है मसला तादील का आपने जर को जान के दूसरा टुकड़ा है तादील का लेकिन आप एक बात यहां पर ये जान ले तादील कोई शख्स उस वक्त तक उस पर जरह नहीं की जाएगी जब तक जरह के इसबाब न पाए जाएँ, जरह के इसबाब ना पाए जाए मतलब ये नहीं है कि आप शक की निगाह से किसी को देख करके आप मुजरिम नहीं कह सकते हैं कहीं भी अभी इंडिया में आप लोग तो रह रहे हैं बहरहाल एक बात निकली तो कह दे रहा हूँ तो अगर यहाँ पर आप रह रहे हैं और अभी जो इस तरीके के उल्टे सीधे जो कानून और जो लॉ पास हुए थे पता नहीं क्या मसला है बहरहाल तो अगर शक की बुनियाद पर कोई किसी को दहशतगर्द करा देता है ये चीज़ सही नहीं है ये उसूल है बाकायदा मुहदसिन का कि असलन क्या है इंसान बरी हो यानी ये कि उस पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं हो असल वो बरी होता है इला ये कि कोई सबब पाया जाए जब सबब पाया जाएगा तो जर होगी सबब नहीं पाया जाएगा तो जर नहीं होगी तो असल क्या है इंसान बरी होता है पाक साफ होता है ये कायदा यह जबता हमारे जहन में रहना चाहिए तो मुहदसिन जर क्यों करते थे ऐसे ही नहीं कि जर कर दें असबाप तलाश करते थे ढूंढते थे अगर मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई मसला नहीं फैसला कर दिया तो इसीलिए तो जर और तादील ये दोनों का असूल ये साथ साथ चलते हैं साथ में जहन में रख रख करके चलना पड़ता है और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी अमानत होती है अल्लाह तला ने क्या अल्लाह के नरमाते हैं अन तुम शुहदा कि तुम जमीन पर अल्लाह की गवाह हो अगर किसी के मुतिक गवाही देनी है तो सच्ची गवाही दो ये जहन रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदार बनाया है आप ऐसे नहीं हैं कि आप तासुब की बुनियाद पर मजहब की बुनियाद पर फिर प्रस्ती की बुनियाद पर आप किसी के हवाले से गुफ्तु करना शुरू कर दें चाहे वो जर हो या तादील हो बहरहाल तो हम बात कर रहे थे तादील तादील कहते हैं बीमा यू जीबू बीमा यूज कबूल और रिवायती ही मिन इस्बातफ़तल कबूल और नफ़ य रद्द उसी के बरक्स मतलब ये कि रावी का जिक्र किया जाए उन इस्बाब के साथ जिसकी वजह से रावी की रिवायत को रावी की रिवायत को कबूल किया जाए अब चाहे आप कबूल की जो सिफ़ात हैं उसको बयान करें या रद्द यानी हदीस के जो रद्द करने की जो सिफ़ात हैं उसको न बयान करें तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं तादील कहते हैं तो तादील की भी दो किस्मत है दो किस्म है एक तो यह कि रावी पर इतलाक गुफ्तु की जाए जैसा कि जरह के मुतिक गुफ्तु की गई थी दूसरा ये कि रावी का ज़िक्र किया जाए तादील के साथ किसी खास शख्सियत से जोड़ करके यानी ये कि वो फ़ला शख्स से रिवायत करेगा तो वो सही होगा उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा वरना उसे रद्द कर दिया जैसे मैंने ये इससे पहले बताया आपके सामने कि ये हाँ जो रावी हैं जैदल अहबाब अगर ये सूफिया सौरी के अलावा से अगर किसी से रिवायत करते हैं तो उनकी रिवायत को कबूल किया जाएगा अगर वो सिर्फ़ सुफियान सोरी से बात करेंगे तो उस सिलसिले में वो ख़ताकार होंगे तो इस तरीके से आप समझ लीजिए बहरहाल वो मिसाल दोनों यहाँ पर फिट होती हैं उसके बाद मैं आगे जाता हूँ कि जर के मरातब क्या हैं जर तादील हमने जान लिया और तादील की दो किस्में होती हैं जैसे जर की दो किस्में होती हैं मतलब और मुकैत और उसके बाद तादील के मरातब क्या है तादील के भी कुलमा ने छः मरातब जिक्र किए हैं जैसा कि जर के हैं जैसे है अगर मुहदसिन कह दें अवसकुन्नास अवसकुन नास की वो लोगों में सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है तो ये सबसे आला दर्जा है इसी इसी तरीके से कहा जाए कि इले ही मनतः ज़ब्त यानी वो ज़ब्त की इंतहा यानी उसका हाफ़िज़ा, उसका माइंड इतना मजबूत है और कैश करने की पावर इतनी शानदार है कि वो उसके दर्जे तक कोई नहीं पहुँचेगा इही मुंतहा और ज़ब्त इसी तरीके से कहा जाए ला आरिफु लहू नज़ीरन अगर ये कहा जाए किसी रावी के मतलब कि ला लहू नज़ीरन मैं उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं पाता हूँ इतना शानदार रावी है ऐसी हदीस बयान करता है और इतनी बेहतरीन तरीके से उसका जब्त है उसका इतम है उसका तकवा है तहारत है इल्म है फ़काहत है कि हम उसकी कोई मिसाल ही नहीं पाते हैं ला लहू नज़ीरन तो ये सबसे आला दर्जा है आला मरतबा है उसके बाद दूसरा दर्जा है ला फ़लॉँलायूस अगर मुहद्दीन किसी के बारे में कह दें फ़लानुल ला वो ऐसा रावी है कि उसके बारे में मत पूछिए आप कैसा रावी है अगर मुहदसिन इस कलमे का अतबार कर दें आ, किसी रावी को मतलब कह दें तो उसकी रिवायत को अल्लाक कबूल कर लिया जाएगा इसी तरीके से आ, तीसरा दर्जा है जैसे रावी कहें, सिकतुन सबतुन हजतन या सिकतुन, जाबितुन सिकतुन 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 या सबतुन हजतुन हजतन सिकतुन जाबितुन इस तरीके इलिमा यानी डबल ताक़द के साथ कोई चीज वो कर रहे हैं तो उसकी रिवायत को भी कबूल किया जाएगा ये तादील का तीसरा है. दर्जा है चौथा दर्जा है सिकतुन सबतुन हुज्जतुन एक मर्तबा सिकतुन सबतुन फ़लानुन सिकतुन फ़लानुन सबतुन फ़लानुन हुज्जतुन तो ये भी तादील के मरातिब में से हैं इसी तरीके से पांचवा दर्जा है फ़लानुन सदूकुन औ मामून लई सभी ही बास फ़लानुन सदूकुन तो या ये कहा जाए वो औ मामून वो महफूज है या ये कहा जाए लई सभी ज़ाक लई बास उसमें कोई नक्स और कमी नहीं नज़र आती है तो ये वो कलिमात हैं तो जिससे पता चलेगा कि नहीं रावी बिल्कुल ठीक ठाक है ये तादील का पाँचवा मरतबा है और छठा दर्जा है लई से दिन अन सवाब। अगर रा, अगर मुहदसिन किसी रावी के मतलब कह दें कि वो सवाब से दुरुस्गी से दूर नहीं है यानी दुरुस्तगी के करीब है तो लेकिन इसमें थोड़ा जर का भी पहलू पाया जाता है लई से बिबाही दिन अनिल अगर का किसी वो सदाकत से दूर नहीं है तो इसका मतलब ये कि हो सकता है इमकान की बात हो रही है इसी तरीके से ये कहा जाए शेख या इसी तरीके से युकबलूबी या सालीस हदीस, मुकारबलदीस लाबासब ही इस तरी कलीम के साथ अगर रिवायत की जा रही है तो उसकी रिवायत भी तादील के दर्जे में आएगी लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि अगर जर और तादील में दोनों में तारुज़ है एक तो जर है दूसरा तादील है दोनों में टकराव हो जाए तो किसको मुकदमा मुकदम रखा जाएगा शेख व सैमिन रमतल ने इसके कुल चार मरातब बयान किए हैं एक तो ये आना मुबिन यानी इंसान किसी के मतलब जरह करे कह दें कि वो बहुत बुरा है दूसरा कोई आ रहा है करे नहीं वो बहुत अच्छा है दोनों मुबहम हैं ये भी कोई सबब नहीं बयान कर रहे हैं और ये भी जो दूसरे साहब हैं जो तादील कर रहे हैं वो भी कोई सबब नहीं बयान कर रहे हैं सिर्फ़ इतना कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है और वो कह रहे हैं कि वो अच्छा है तो अब सवाल ये है कि, कि किसकी बात को माना जाएगा तो इसमें तादील को लिया जाएगा तादील को लिया जाएगा क्यों इसलिए कि जो जड़ कर रहा था उसने कोई सबब नहीं बयान की उसने कोई इल्लत नहीं बतलाई सिर्फ आपके इतना कहने से तो बात नहीं बनती आपको बताना पड़ेगा क्यों अच्छा नहीं है क्यों बुरा है क्यों उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जा रहा है सबब बतलाना पड़ेगा तो आप अगर सबब को नहीं बतलाएंगे तो आपकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा अगर तो पहली किस्म यह है कि अगर दो दो मुहदस हैं वक्त के किसी रावी के मतलब मुबहम तौर पर फैसला कर रहे हैं वो कहने कि वो सदूक है वो कह रहे हैं कि सदूक नहीं है तो किसकी बात को लिया जाएगा तो उलमा ने यह तय किया है कि उसकी बात को लिया जाएगा जो तादील करता है इल्ला ये कि वो कोई और उसबाब बयान करें इसी तरीके से दूसरा दुशर शक, दूसरी शक्ल है अकून मुफसराइन अकून मुफसर दो दो वक्त के इमाम हों वक्त के मुहदस हों किसी रावी के मुतालिक बहस करें वो कहें कि ये सही नहीं है और उसके ये ये असबाब हैं दूसरा कहें कि नहीं वो ठीक हैं उसके ये ये इसबाब हैं तो यहाँ किसकी बात को कबूल किया जाएगा यहाँ जरह को कबूल किया जाएगा क्यों इसलिए कि आम तौर पर इंसान ये जो जरह करने वाले हैं उन्होंने जर किए लेकिन उसके साथ साथ को भी बयान किया है जर किया है लेकिन जर के असबाब भी यानी या वो इम बतलाया वो चीज़ें उन चीज़ों की जानकारी दी जो तादील करने वाले के पास नहीं थी तादील करना तो बहुत आसान है किसी के मतलब आप कह दें अच्छा है यह और बात है कि इन्होंने इसबाब भी बयान किए लेकिन ये वो बातें बतला रहे हैं जो तादील करने वाले इमाम नहीं जानते थे तो इसलिए जो तादील करने वाले इमाम हैं उनकी बात को नहीं लिया जाएगा बल्कि जो जरह कर रहा है उनकी बात को लिया जाएगा क्यों इसके पास इल्म है एक्स्ट्रा इल्म है उसके और उन्होंने और अच्छे से टटोला है रावी को जबकि उन्होंने नहीं टटोला इसी तरीके से तीसरी शक, तीसरी शक्ल है तादील मुबहमन वलजर मुफसरन यानी ये कि तादील करने वाले ने तादील करने वाले ने किसी के बारे में सदाकत की गवाही दी है लेकिन मुबहम अल्फा वो अच्छा है और दूसरे हैं वो उस पर जरह कर रहे हैं लेकिन वजह भी बयान कर रहे हैं असबाब भी बयान कर रहे हैं तो किन की बात को लिया जाएगा आसान है उनकी बात को लिया जाएगा जो जरह कर रहा है और असबा भी बयान कर यानी जरह मुफसर कर रहा है मुबहम नहीं बल्कि उसकी तफसील भी बयान कर रहा है उसकी वजाहत भी कर रहा है तो उसकी रिवाज को उसको लिया जाएगा इसी तरीके से चौथा दर्जा है जरू मुबहमन व तादील मुफसरन यानि ये कि एक इमाम हो वो किसी रावी के मतलब मुबहम जरह करें कि वो अच्छा नहीं है दूसरा ये दूसरे शख्स हैं वो किसी के मतलब तादील यानि उसकी तादील बयान कर रहे हैं उसकी सफाई दे रहे हैं लेकिन उसकी सफाई जो दे रहे हैं वो उसके असबाब भी बयान कर रहे हैं तो किसकी बात को लिया जाएगा तादील वाले को तो ये चार मरातब शेख हसैमिन ने अपनी किताब के अंदर बयान किया है मैंने अख्तसार के साथ आपके सामने बयान कर दिया तो जरह के उसूल ज़ब्ते थे उसके बाद हमने आपके सामने तादील के इसबाब बयान किए ताकि कि तादील किसे कहते हैं फिर तादील की दो किस्में हैं मतलब और मकैय और गुजा मिसालों से जरिए से आपके सामने उसको बयान किया फिर ये बताया कि तादील के छः मरातब होते हैं फिर यहाँ भी कायदा वही है कि चार मरातब जो शुरू के हैं चार मरातब जो शुरू के हैं तादील के उसमें जो इन अगर ये चार मरातब जो हैं इन कलिमात के साथ अगर किसी पर किसी की तादील की गई है तो वो ठीक है उनकी रिवायत को कबूल किया जाएगा लेकिन नीचे के जो दो मरातीब हैं उनकी तहकीक़ की जाएगी उनकी तहकीक की जाएगी हो सकता है जैसे किसी के मतलब कहा गया कि ज़यीफुन ये भी हो सकता है आ, आ, किसी के मतलब ये कह दिया गया कि फ़लान सदुकुन मुमकिन है कि वो सदूक ना हो तो इसकी तहकीक़ की जाएगी और उसके बाद उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा उसके बाद हमने आपके सामने ये भी रखा गया कि जरह और तादील अगर दोनों बाहम टकरा जाते हैं तो उसके कितनी किस्में होंगी उसकी कुल किस्में होंगी और कब किसको को अखज़ किया जाएगा ये इख्तिसार के साथ मैंने आपके के सामने रख दिया है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा आज के जो दस का जो दूसरा हिस्सा है माँ रिफतुलस्समायलकुना यानी रावियों के नाम होते हैं और कुन्ियतें होती हैं अलकाब होते हैं कभी कभार ऐसा होता है रावी अपने नाम से मशहूर होता है कभी ऐसा होता है कि रावी अपने कुनीत के अतबार से मशहूर होता है नाम कोई जानता ही नहीं कभी कभार ऐसा होता है कि रावी अपने अलकाब की वजह से मशहूर होता है तो बहुत सारे इसबाब हैं जिसको ने अपनी किताब में जिक्र किया है तो मैं इतिसार चीज़ें उनमें से मैं आज जिक्र कर दे रहा हूँ और बाकी इन शगले दरस में तो एक तो ये है सबसे तो पहली चीज़ कि मनशतारा मनशतारा बिस्मी दू न कुत ही ऐसा रावी जो अपने नाम से मशहूर हो अपनी कुनीत से मशहूर ना हो कभी कभार ऐसा होता है कि रावी अपनी कुनीत से मशहूर होता है नाम से मशहूर नहीं होता है जैसे तलहा इबन उबैदल्ह हैं यह अब्दुलरहमान इबन ओफ़ हैं हसन इबन अली हैं ये जितने हैं ये साहबा हैं सारे तीनों साहबा हैं और मैंने ये भी बताया कि ये तीनों साहबा अपने अपने नाम से मशहूर हैं अपनी कुनीत से मशहूर नहीं है अच्छा इन तीनों की कुत भी एक है इन तीनों की कुत है अबू मोहम्मद उबैदुल्ला बिन तलहा आ, आ, तलहा बिन उबैदुल्ला अब्दुलरहान इबन औफ़ और हसन अली इन, इन तीनों की कुत क्या है अबू मोहम्मद तो कभी कभार ऐसा होता है रावी अपने नाम से मशहूर होता है लेकिन अपनी कुनीत से मशहूर नहीं होता तो इसी तरीके से जैसे एक हैं अबू इदरीस अलौलानी अबू इदरीस अखौलानी इनका तस्करा किसी हदीस के अंदर आया था तो अबू इदरीस अल खौलानी जो है ये ये इनका असल नाम क्या है आयज़ुल्ला नाम है आयज़ुल्ला इनका असल नाम है लेकिन ये अबू इदरीस अल खौलानी अबू इदरीस अल खौलानी ये उनकी कुत है तो ये अपनी कुनीत की वजह से मशहूर हो गए लेकिन नाम इनका मुबह रह गया मालूम नहीं रहा तो कभी कभार ऐसा होता है कि रावी अपने नाम की वजह से मशहूर होता है कुत नहीं मालूम होती है और कभी कभार ऐसा होता है कि वो कुत से मशहूर होता है नाम से मशहूर नहीं होता इसी तरीके से एक तो कुछ रावी ऐसे होते हैं जिसका नाम ही उसकी कुनीत होती है कुछ रावी ऐसे होते हैं जिसका नाम और नाम भी वही होता है और कुत भी वही होते हैं जैसे एक रावी है अबू बिलाल अल अलाशारी ये इनका नाम भी है और उनकी कुत भी है इसी तरीके से अबू हसीन ये इनका नाम भी है और इनकी कुत भी है इसी तरीक़े से बाज़ लोग ऐसे होते हैं मन इख्तलाफा मन अखिलीफा फ़ी इस ही यानी वो ऐसे रावी जिनके नाम के मतलब ही अख्तिलाफ़ हो कि इनका नाम क्या है कोई कुछ जिक्र कर रहा है कोई कुछ जिक्र कर रहा है कोई कुछ कह रहा है एक बहुत ही मशहूर साहबी हैं हज़रत अबू हुरार रजी अल्लाह तू इन के नाम के मतलब ने अखिला किया कि इनका नाम क्या है तो तीन या चार अकवाल और पता नहीं कितने बहरहाल तो लोगों ने अख्तलाफ़ किया लेकिन इनका नाम जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वह अब्दुलरहमान बिन सखर है तो अब्दुलरहमान ने सखर के नाम से ये मशहूर हैं लेकिन ने इनके नाम के सिलसिले में इख्तलाफ़ किया है बाज़ लोगों ने कहा है ये है बाज़ लोगों ने कहा है ये है बहरहाल इसी तरीके से एक है मन मन अखिलीफाफी कुत ही कि एक तो वो हैं जिनकी कुन्यतों के मतलब इख्तलाफ़ किया गया जैसे एक सबी हैं उसामा इब्ने जैद उसामा इब्ने जैद इनकी कुत के मतलब ने इख्तलाफ़ किया है इनकी दो कुतें आमतौर पर बहुत मशहूर हैं तीन कुतें है। एक तो अबू खारजा और एक तो है अबू मोहम्मद और एक है अबू अब्दुल्ला तो उलमा ने इनकी कुत के मुतल भी वो किया है इसी तरीके से इख्त किया है इसी तरीके से एक तो कभी कभार रावी ऐसे होते हैं जिनकी कुत बहुत ज़्यादा होती है जैसे इबन जुरैज हैं इनकी कुतें कई जिक्र की गई जैसे अबू ख़ालिद भी इन्हें कहा जाता है और अबुल वलीद भी कहा जाता है यानी रावी एक हैं लेकिन कई कई कुयतें हैं उनकी इसी तरीके से ऐसा भी होता है मन व फ़कत कनी तो इस्म अबी ही अला दालिक यहीं कभी कभार अअस ढालिक कभी कभार ऐसा होता है कि रावी की जो कुन्यत होती है उसके वालिद का नाम होता है कभी कभी इसके बरक्स वही होता है यानी रावी का की जो कुन्यत होती है वही उनके वालिद का नाम होता है और जो उनके वालिद का नाम होता है कभी वही कुत बन जाती है देखें जैसे यहाँ जो मैंने यहाँ जो जैसे अब अबो मुस्लिम अलगरबिन मुस्लिम अलमदनी यहाँ अबू अल-अगर की जो कुत है वो क्या है अबू मुस्लिम है और उनके वालिद का नाम भी मुस्लिम है इसी तरीके से अबू इसहालकानी बिन इसहाक यहाँ इसहाक़ ये अबू इस ये इसहात है अल्कानी की और यही उनके वालिद का नाम है इसी तरीके से इसहाक़ बिन अबी इसहासबई यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि रावी का नाम जो होता है वही उनके वालिद की कुत होती है जैसे इसहाक़ बिन अबी इसहाक असबीई यहाँ इसमें आपने ये देखा कि पहले इसहाक जो है ये नाम है और बिन अभी इसहाक़ जो है ये उनके वालिद की कुत है असबीई। इसी तरीके से कभी कभार ऐसा भी होता है मन व फ़ा इसम अबी ही इसमोशी कि बाज़ रावी ऐसे होते हैं जिनके वालिद का नाम उनके उस्ताद का नाम एक के जैसा होता है यानी जो उनके वालिद का नाम होता है वही उनके उस्ताज का भी नाम होता है जैसे रबी इबन अनस रबी इबन अनस ये रावी हैं इनके वालिद का क्या नाम है अनस और इसी तरीके थिक से इनके जो उस्ताज हैं उनका नाम भी अनस है रबी इबन अनस अन अनसिन इस तरीके से अनस अब मालिक हैं अनस इबन मालिक हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि रावी के जो वालिद का नाम होता है वही उनके उस्ताज का नाम होता है तो ये अनस इबन मालिक के शागिर्द हैं और यहाँ उन और उनके जो रावी के जो वालिद का नाम है वो भी अनस है और कभी कभार ऐसा भी होता है मन व फ़क़ा इसम रावी अनु इसम शेख़े ही यानी रावी जो है कभी कभार ऐसा होता है कि उससे जो शख्स हदीस ले रहा है यानी एक उस्ताद है यूँ समझे उस्ताद का जो शागिद है उसका नाम भी वही है और उसतास का जो उसताज है उसका नाम भी एक ही है जैसे यहाँ पर मैंने जैसे इमाम बुखारी रहमत ला ने से इमाम मुस्लिम रहा हदीस रिवायत करते हैं यानी इमाम बखार रहमत इमाम मुस्लिम से हदीस को रिवायत करते हैं लेकिन इसी तरीके से उनकी एक उस्ताद भी हैं जो इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम है मुस्लिम बिन इब्राहीम अलफ़रादी अलजदी ये इमाम बुखारी के उस्ताद भी हैं तो मैंने क्या जिक्र किया कि रावी कभी कभार ऐसा होता है कि जो रावी होता है उसके शागिर्द का भी नाम वही होता है और उसके उताज़ का भी नाम वही होता है इसी तरह इस तरीके से कभी कभार ऐसा भी होता है मन इतफ़ा इस्म होशी ही वम शी कभी कभार ऐसा होता है कि रावी का जो नाम होता है वही उनके उस्ताज का नाम ही होता है और उस्ताज के उस्ताद का भी नाम वही होता है जैसे इमरान अन इमरान तो जो पहले इमरान है ये इमरान अलसैैैैैैैैर हैं दूसरे हैं अबू रजा अल तारदी हैं और तीसरे हैं इब्न हुसैन। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि रावी का जो नाम होता है वही उनके उस्ताद का नाम होता है और उस्ताद के उस्ताद का भी नाम वही होता है और कभी कभार ऐसा भी होता है मन इतफ़ा इसमो इसमो अबी ही वजद ही यानी जो नाम रावी का होगा वही उनके बाप का भी नाम होगा वही उनके दादा का भी नाम होगा जैसे हसन अबिन हसन अबन हसन बिन अली बिन अबी लब यानी हसन इब्न अबी लब जो हैं इनके बेटे का भी नाम हसन है और इसी तरीके से जो इनके बेटे हैं उनका भी नाम हसन है तो ये आ, कुछ चीज़ें थी जमनन मैंने आपके सामने बयान कर दी है और इसका मतलब क्या है यानी ये कि त, ये इन तमाम चीज़ों को महदसिन ने इसलिए बयान किया है ताकि इश्तबा से बचा जाए जैसे ये कि हसन अबिन हसन बबन हसन, हसन अगर इंसान नहीं जानेगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन सी हसन है तो इसीलिए रावी कभी कभार हदीस को बयान करते वक्त सनद में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है उसको मुफसल बयान कर दिया जाता है ताकि इजतबा न रहे तो इन इजतबा से बचने के लिए और किसी भी तरह की डाउट या शुक़ को शुभात न रहें महदसिन इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते थे तो इन इन्हीं वजह से बाकायदा जो मुसल की किताबें हैं एक फसल बाप बाकायदा सेलेक्ट किया गया जिसमें रावियों के मतलक गुफ्तु की जाती है तो यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आखिर में अल्लाह ताली से दुआ रब्लम हम तमाम मुसलमानों को इस अज़ीम फन को समझने की तोफ़ी कता फरमाय आमीन व आखुर्दा अलमदिल्ला रबालमी